सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग एमटी मोटर व्लॉग्स। सो गाइस आज हम निकलेंगे एक छोटी सी राइड पे, मतलब जयपुर तक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत टूरिंग एक्सेसरीज और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करवाने हैं जो बहुत एसेंशियल है इस पे बाइक पे, मतलब जिससे आराम से अपन 15-20 दिन का टूर कर सकते हैं, वो सब लगवाऊँगा। और टॉप बॉक्स शैड का मेरे पास ऑलरेडी घर पर आ चुका है, जो मैंने MT15 पे लगाया हुआ था, एंड वहाँ से एक अगर प्लेट मिलेगी तो प्लेट ले लेंगे, मतलब प्लेट ऑनलाइन मंगवा के इस पर लगवा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जयपुर चलते हैं और वहाँ पे जाके मिलते हैं, फिर रास्ते के थोड़े बहुत सिनेमैटिक दिखाएंगे और अगर कुछ दिखाने लायक हुआ तो वो भी दिखा देंगे, और शायद रास्ते में अपन कैफ़े कॉफ़ी डे या फिर कहीं पे रुक जाएंगे सस्ते नाश्ते करने के लिए, आई मीन ब्लैक कॉफ़ी यू नो। और आंटी बिना देखे रोड क्रॉस कर रही है, चलो फिलहाल अभी तो चलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब गाड़ी एकदम नई होती है ना, तो फर्स्ट सर्विस तक आपको 4000 RPM के नीचे चलानी होती है, मतलब इस गाड़ी के बता रहा हूँ, लाइक इस गाड़ी को फर्स्ट सर्विस तक 4000 RPM जो है, लाइक ये 4000 है, इसके नीचे चलानी होती है, सो दैट इंजन के परफॉर्मेंस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। एंड जब फर्स्ट सर्विस हो जाती है देन वी कैन ड्राइव इट अप टू 6000 RPM, तब भी हम फुल नहीं कर सकते टिल सेकेंड सर्विस, दैट इज़ ऑन 2000 किलोमीटर्स, बट इट्स ऑल फॉर द बेस्ट मैन, जितना अच्छा इंजन होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी सही। एंड इस गाड़ी को लेके तो बहुत जगह जाना है अभी, द मेन पर्पस ऑफ बाइंग दिस बाइक टूरिंग। आर डेस्टिनेशन विच इज़ क्लोज्ड, तो ओपन हो जाएगी 15 मिनट में। हेलो, बढ़िया, कैसी रही आपकी राइड? बढ़िया, ओके। सो गाइस एसेसरीज लग चुके हैं सारी, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, कंफर्टेबल बहुत है, हैंडल बार राइजर्स और सीट की वजह से एकदम टूरिंग के लिए रेडी हो चुकी है, साथ में एक बड़ा सा टैंक बैग। अभी कहीं रुकते हैं फिर पूरी गाड़ी एकदम डिटेल में दिखाऊंगा, वैसे सिनेमैटिक्स तो देख ही लिए होंगे, अभी रुक के बताएंगे कौन सी चीज़ किसके लिए लगाई है। एंड मेरी तो सबसे जो यूजफुल थिंग मोबाइल होल्डर, वो लग चुका है, नहीं आती है, 4 लाख के आराम से सब एसेसरीज के साथ।
डिटेल भी बता देंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सामने लगे कार्बन रेसिंग की सेमी स्मोक्ड विंडशील्ड, जो विंड ब्लास्ट हटाने में काम आती है और अगर डक करके चलना हो तब भी काम आती है। सेकंड आते हैं अपन हेडलाइट पे। हेडलाइट का बल्ब मैंने एलईडी करवा लिया और यहाँ पे लगी है हेडलाइट की ग्रिल। थर्ड बूट कवर कंपनी से आया। फोर्थ यहाँ पे नीचे है और रेडिएटर गार्ड है और उसके नीचे लगी है बैच प्लेट। बैच प्लेट इज़ वेरी एसेंशियल गाइस। लाइक बैच प्लेट से होता है, जो आपके टायर से मड और पत्थर वगैरह सब जाते हैं ना, वो सीधा ऑयल फिल्टर पे लगते हैं, बिकॉज उसमें बैच प्लेट स्टॉक नहीं आती। फिर फोर्थ पे लगा अपना क्रैश गार्ड विद फ्रेम स्लाइडर जाना का। एंड उसके बाद अपन ने कस्टमाइज करवाई है सीट, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मज़ा आ गया इसको बैठ के। फिर लगा है अपना राइनॉक्स का मोबाइल होल्डर, सबसे बेस्ट थिंग। और हज़ार्ड सिमटैक के हज़ार्ड लगे। पीछे की ओर आते हैं, जाना का सैडल स्टिल लगाए, जो सैडल बैग्स होते हैं उसको अड़ने नहीं देता, टायर में फंसने नहीं देता, थोड़ा उसको डिस्टेंस पर रखता है। और छोटा अगर सैडल बैग या तो वेट आ रहा है या राइनॉक्स का लगाए तो वो एग्जॉस्ट की भी टच नहीं होता। फोर्थ नंबर पे नेक्स्ट लगे जाना का बैक रैक और जाना का बैक रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक रैक इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इस पर मैं शैड का टॉप बॉक्स लगवाऊंगा एंड उसके लिए एक प्लेट लगेगी जो केवल इसी पे लगती है। और कौन सी कोई एसेसरीज बची हो तो हाँ, वन मोर, इसमें हमने डलवाया है फॉर्मूला एक्स। सो एज यू गाइज नो कि बाहर से आना पड़ेगा। ओके, सो एज यू गाइस नो कि इंटरसेप्टर के जो टायर्स है वो स्पोक व्हील है। लाइक इस पे पंचर की और प्रॉब्लम आती है, पंचर किट भी रख लो तब भी कुछ नहीं होता। तो इसके लिए एक फॉर्मूला एक साथ है, जिसको टायर में डालो ना तो पंचर बिल्कुल नहीं होता। तो वो भी इस पे लगाया है एंड बाइक बहुत अच्छी लग रही है। पूरी जितने लोड करवानी थी करवा ली है। अब पहले अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर थोड़ी बहुत बाइक की फ़ोटोज़ लेते हैं एंड फिर घर की ओर निकलते हैं। सारी एसेसरीज लगवानी और अगर राजस्थान के हो तो यू कैन गो टू जयपुर एंड मेरे से कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे आयुष राजपूत 5749A, डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो यहाँ से हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वाला मैकडी है यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर, वहाँ पर जाके रुकेंगे एंड फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी रास्ते में ब्लॉग नहीं करूँगा बिकॉज कैमरा की मैं बैटरी घर पर छोड़ाया और मेरे पास एक ही बैटरी है जो अभी 25% पे है। तो रास्ते में नो व्लॉग्स एंड अब सीधा मिलते हैं सेकंड वाले मैकडी पे जाके। What a lovely sky and what a lovely bike. So, अभी मैकडी से खा पी के पेट एकदम बढ़ चुका है और अभी हम घर की ओर निकलेंगे। उससे पहले एक फ्रेंड को अब उसका इंटरकॉम देना है जो उन्होंने मेरे को मंगवाया था मेरे से जहाँ पे अभी मैं स्टोर पे गया था। क्योंकि मैंने सोचा इंटरसेप्टर पे आओगे। तो इनके पास है ग्रुप की सेकंड इंटरसेप्टर। वीडियो को ये एंड करते हैं, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो करते हैं एंड, टेक केयर, बाय बाय। एंड आज तो सही में बहुत हेक्टिक डे था यार, सुबह 8 बजे से लेकर अभी शाम के 6 बज रहे हैं। बस
बहुत थकान हो गया, अभी फटाफट घर जाएंगे और वीडियो एडिट करके सोतेंगे। और ये वाला वीडियो आएगा कल, दैट इज़ कल कौन सी डेट है यार, पता नहीं, शायद 14, 15 है शायद कल, 14, 15 पता नहीं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं।